राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 24 दिसंबर को कांग्रेस राजधानी को पूरी तरह तिरंगामय करेगी। बदरपुर बॉर्डर से राजघाट तक यात्रा के करीब 21 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों ओर राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ कांग्रेस के झंडे लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे मार्ग पर कांग्रेस के होर्डिंग्स, पोस्टर व झंडी लगाई जाएगी। यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में राहुल गांधी के आगे आगे ढोल व नगाड़े बजाए जाएंगे। इतना ही नहीं, रास्ते में कई जगह दिल्ली की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में भी होर्डिंग्स व पोस्टर लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग को 7 हिस्सों में बांटा है। प्रत्येक एक हिस्से की जिम्मेदारी एक संसदीय क्षेत्र के नेताओं को दी है। इन नेताओं में लोकसभा, विधानसभा और एमसीडी का चुनाव लड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा उनके साथ संबंधित क्षेत्र के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। वह इस क्षेत्र को तिरंगामय करने और उस पर होर्डिंग्स, पोस्टर व झंडी लगाने का कार्य करेंगे। वह यात्रा के दौरान बारी बारी से राहुल गांधी के साथ चलेंगे और उनके क्षेत्र में गणमान्य व विभिन्न क्षेत्र के विख्यात व्यक्तियों को भी राहुल गांधी के साथ चलने का अवसर दिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलेंगे। राहुल गांधी के स्वागत के लिए प्रदेश कांग्रेस के करीब 3,000 नेता व कार्यकर्ता 23 दिसंबर की शाम को ही बदरपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और वे पूरी रात वहां राहुल गांधी के साथ रहेंगे, जबकि 7-8 हजार कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता 24 दिसंबर की सुबह बदरपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। इस तरह बदरपुर बॉर्डर से राहुल गांधी करीब 10,000 नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी 24 दिसंबर को आश्रम चौक पर दोपहर में विश्राम करेंगे। वहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खाने की व्यवस्था की है। यहां पर यात्रा में शामिल नेताओं व कार्यकर्ताओं को दो जगह खाना खिलाया जाएगा। राहुल गांधी के साथ केरल से ही यात्रा में शामिल कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को अलग जगह खाना खिलाया जाएगा। उनके समक्ष पुरानी दिल्ली के पकवान परोसे जाएंगे, जबकि दिल्ली के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को दूसरी जगह खाना खिलाने का प्रबंध किया गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के इंडिया गेट से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की संभावना है। वहीं इंडिया गेट से राजघाट तक यात्रा में शामिल रहेंगे। यहाँ यात्रा का 9 दिनों का विश्राम होगा और 3 जनवरी से यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।